दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब चाहें तब वजन बढ़ाएं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डिमांड रहती है ना कि भाई हम लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें बहुत टाइम हो गया, मैंने ये खा के देख लिया, वो खा करके देख लिया, तो इतना सब करके देख लिया तो कुछ मेरी बातें भी आप सुन करके देख लें। तो यकीन मानिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा कुछ रुपये खर्च नहीं होने, कुछ खर्च ही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इनको ट्राई करके देखें। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं इन्हीं को आप यूटिलाइज़ करेंगे और देखते ही देखते आपकी बॉडी में इतना वजन बढ़ेगा कि आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे, भाई ऐसा भी हो सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ भाई बल्किंग की, तो देखिए बल्किंग का मतलब ये है, सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा बॉडी में वेट पुट ऑन हो जाए उतना। अब बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते कि भाई एग्जैक्टली हम करें क्या, एग्जैक्टली हम क्या चीज़ करें। खाना तो पता है, चलो भाई हमने कैलोरी बढ़ा करके खा ली, उसके बाद भी हमारी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें कैलोरी बहुत सारी खानी होगी। चलो मैंने आपको बताया कैलोरी, आपने 2500-3000 कैलोरी की डाइट मैंने आपको बताई, आपने वो भी खा के ले लिया, रिजल्ट आपकी बॉडी में नहीं है, अब यहाँ पर क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए ये जो 5 kg 10 kg बढ़ाना है ना, आपके लिए बहुत मामूली सी चीज़ हो जाएगी। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। एग्जाम्पल के लिए, ये कैलरी वाला फंडा तो एक सिंपल है भाई, ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। आपको चीज़ पता है, अगर आपको कोई चीज़ करनी है उसके बारे में आपको बता दें कि इस चीज़ को फॉलो करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर हर एक के ऊपर वही सेम चीज़ तो लागू नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई वो कैलरी सरप्लस वाला सिस्टम तो चल सकता है, पर क्या पता वो कैलरी सरप्लस वाला सिस्टम अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो कैलरी सरप्लस तो मैं कर रहा हूँ पर इसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तब क्या करें? अगर आप लोग भी कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा तब आप लोग क्या करें? तो यहाँ पर इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो आप खा पी रहे हैं आपकी बॉडी में लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये चीज़ आपको शुरुआत के 2 हफ्ते में पता चल जाएगी। अगर आप लोग कोई नई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या कोई नई चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ शुरुआत के हफ्ते में पता चल जाएगी कि भाई जो आपकी बॉडी में जो रिजल्ट है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है। अगर आपने कैलरीज बढ़ा करके खा रहे हैं, अगर मेरी बॉडी की कैलरी की रिक्वायरमेंट है 3000 और अगर मैं लगातार 2 हफ्ते से 3000 कैलरी खा रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं आया, भाई यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भाई अब यहाँ पर कुछ मेरे को चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी क्या। जैसे कि मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई जो मैं खा पी रहा हूँ कि मेरी बॉडी में लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड करेंगे कि भाई कोई भूख बढ़ाने वाला सिरप, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बहुत सारे मार्केट में आपके सिरप आते हैं, झंडू पंचारिष्टा हो गए, वो आपके ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करके देख सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि अगर आप लोग महीने की 10,000 रुपये की डाइट का खर्चा कर रहे हैं, 8,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, कई आम बात नहीं है। बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत से बचा करके खर्च करते हैं, क्योंकि अगर उनको ठीक दिखना है तो जाहिर सी बात है आपको पता है भाई शरीर बनाने के लिए पहले इकट्ठा करना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, मेहनत करेंगे कमाएंगे तभी तो आएंगे। तो उस चीज़ को बर्बाद ना करने के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं झंडू पंचारिष्टा। ये आपके क्या करेगा, आपकी पूरी ओवरऑल गट हेल्थ को बैलेंस कर देगा, तो जो कि आपकी जो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी ये आपकी ठीक हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो गेनिंग की जो दिक्कत आ रही है, बल्क नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉर्ट करने में हेल्प करेगी। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, दूसरे केस में यहाँ पे ये आता है कि भाई बहुत सारे लोगों को खाना हजम ही नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग खाना खा लेते हैं, हैवी हो जाते हैं, पर उनका फूड डाइजेशन नहीं हो पाता कि वो अगला खाना कब खाए। एग्जांपल के लिए, मैंने 10 बजे खाना खाया, मेरी अगली मील की बारी जब मैं, जैसे मेरे को वेट गेन करना है, हर मेरे को 2.5 से 3 घंटे में खाना पड़ता है, तो तीसरे घंटे में या चौथे घंटे में या 3.5 घंटे में मेरे को ठीक से भूख नहीं लग पाती, खाना सामने रखा रहता है, मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई मैंने खाने की जो चॉइस है ठीक नहीं रखी, मेरे को ऐसा खाना खाना है कि कम क्वांटिटी में मेरे को ज़्यादा क्वालिटी मिल जाए। एग्जांपल के लिए, मेरी क्वांटिटी कम है, मेरी इतनी क्वांटिटी है खाने की, क्योंकि भाई मेरे को 2.5 से 3 घंटे बाद मेरे को खाना दोबारा खाना है, 3 घंटे बाद मेरे को दोबारा खाना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे देखूँगा कि भाई मैंने फूड थोड़ा हैवी खाया जिसमें मेरे को ज़्यादा कैलरी मिली, ज़्यादा प्रोटीन मिला और वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको फूड चॉइस अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप या तो मास गेनर ले सकते हैं, मास गेनर अपनी डाइट में ऐड करेंगे, या प्रोटीन का मास गेनर शेक बना सकते हैं होम वेड। जैसे आपने 1 स्कूप वे प्रोटीन लिया, 2 बनाना लिया, मिल्क लिया, 2-3 खजूर लिए, इसको सबको मिक्सी में ब्लेंड करके आप पी सकते हैं, उसके अंदर 1 टेबल स्पून पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं, तो आपने कोशिश करना है कि अपने रूटीन में इन सब चीज़ों को ऐड करना है कि भाई आपको कम टाइम में
कम उसमें आपको कम क्वांटिटी में आपको ज़्यादा क्वालिटी मिले। ऐसे फूड आपने ऐड करने हैं जो कि आपको क्वालिटी ज़्यादा दे, क्वांटिटी कम दे, क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी खाने की तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, इस तरीके से और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, यहाँ पर आप हर बार बहुत, ये तो दूसरा केस मैंने आपको बता दिया, तीसरा जो केस है यहाँ पर ये है कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई हमेशा खाने की तरफ बढ़ते हैं कि भाई जैसे उनको वेट गेन करना है, भारी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, भर भर के रोटियां 10-15 रोटी 20 रोटी जो अपना दिन की चलती है ऐसा करते हैं। सब ठीक है, आप देखें इतनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, आप उसको बिल्कुल रगड़ रहे हैं, बॉडी की कैपेसिटी है, ठीक है, खाना पीना आपने डाला ठीक है, पर आप इतना ज़्यादा पुश तो ना करें कि भाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी तैसी हो जाए। कोशिश करें कि भाई चीज़ों को थोड़ा लिक्विड में दें अपनी बॉडी को, क्योंकि जितना आप लिक्विड में देंगे उतने आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। अगर आप दिन के 5 मील खा रहे हैं, 5 बार खाना खा रहे हैं वेट गेन करने के लिए, तो जिनमें में से आप कोशिश करें कि भाई आपका जो 2 खाना हो वो लिक्विड वाला हो, चाहे आप मास गेनर शेक या फिर जो वेट गेनर शेक जो आप होममेड बनाएंगे या जो बाहर से खरीदेंगे उसको 2 बार रिपीट कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपके स्टमक को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, इतना बार बार मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स करने का भी टाइम दें, क्योंकि आप जो 3 मील खा रहे हैं वो ऑलरेडी हैवी होगी भाई। 5 रोटी एक बार में आप खा रहे हैं, 6 रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, अचार जो भी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, हैवी तो होता है ना, पचाने में टाइम लगता है, नहीं तो उसको टाइम लगता है पचाने में, और साथ में ऊपर हैवी भी होता है, तो इतनी सारी चीज़ें होती है। तो कोशिश करें बॉडी को रेस्ट दें, और अगर रेस्ट देंगे तो तभी आपकी बॉडी में जा करके, इसको कहते हैं मील बैलेंस, अगर आप मील बैलेंस करके लेंगे तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से करेगी। तो इस चीज़ को फॉलो करके देखें, एक मील आपने जैसे खाने वाली रखी, दोपहर के टाइम आपने फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आपने शेक पी लिया, दोपहर के टाइम आपने खाना खा लिया, शाम के टाइम आपने फिर से शेक पी लिया, फिर उसके बाद रात के टाइम आपने खाना खा लिया, फिर बिफोर बेड आप जैसे कई बार लोग करते हैं कि भाई एक वेट मास गेनर को पानी में ले लेते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 4 बार आप इस तरीके से अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी में रिजल्ट आने में हेल्प करेगा। तो इन कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप जब चाहे अपनी बॉडी में वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, आप ट्राई करके देखें, मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको मास गेनर लेना है तो मास गेनर की मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर बना रखी हैं, जा करके चेक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करके जब चाहे अपना वजन बढ़ा सकते हैं, 5 kg 10 kg 12 किलो जब आप चाहे बढ़ा सकते हैं, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। इन टिप्स को फॉलो करके देखें तो एक बार, मजाक नहीं कर रहा, मैंने जो अपनी पुरानी जो बल्किंग करी थी, जो क्लीन बल्क करा था या डर्टी बल्क करा था, उनमें सब में मैंने यही फॉलो करा था, क्योंकि इतना नहीं खाया जाता है। इनको फॉलो करके देखें, गारंटी है मेरी ये पक्का काम करेगा, और बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें आपकी बॉडी में रिजल्ट अच्छे खासे आएंगे, और जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना वो यूटिलाइज हो पाएंगे। जितना भी आप महीने का खाना खा रहे हैं, अपनी डाइट पे स्पेंड कर रहे हैं, वो रिजल्ट लाएगा, आपकी बॉडी में फ़र्क दिखेगा, मैं बस यही चाहता हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।